नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन। स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ क्लच। आपने देखा होगा कि कार्स और बाइक्स होती हैं, इनके अंदर क्लचेस होते हैं, तो इसका क्लच का क्या काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो आपके इंजन में से जो भी पावर आ रही है उस पावर को, उस रोटेशनल पावर को आगे ट्रांसमिट करने का काम क्लच करता है। सो आपके इंजन के बाहर फ्लाईव्हील लगा होता है, इस फ्लाईव्हील के साथ कनेक्टेड होती है क्लच प्लेट। इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है वो फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट होता है। फ्लाईव्हील का जो सरफेस होता है वो भी फ्रिक्शनल होता है और क्लच प्लेट भी फ्रिक्शनल होती है। सो ये जो क्लच और फ्लाईव्हील होते हैं ये हर टाइम अपने साथ एंगेज रहते हैं। तो जब फ्लाईव्हील आपका रोटेट करेगा ड्यू टू हाई फ्रिक्शन, ड्यू टू कॉन्टैक्ट इन बिटवीन देम, आपकी क्लच प्लेट भी रोटेट करेगी। जब आपकी क्लच प्लेट रोटेट करेगी तो ये पावर आगे ट्रांसमिट होगी इनटू द गियर बॉक्स और आपकी गाड़ी या आपकी बाइक वो मूव करेगी जो भी आप गियर डालेंगे। सो जब आप क्लच को दबाएंगे तो क्लच प्लेट का जो कनेक्शन है फ्लाईव्हील से वो हट जाएगा, वो डिसएंगेज हो जाएगी। सो अब उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आपने इंजन से पावर का जो ट्रांसमिशन है वो एकदम ख़त्म कर दिया। सो अब फ्लाईव्हील आपका अभी भी घूमेगा लेकिन क्लच प्लेट आपकी नहीं घूमेगी क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं है उनके बीच में। सो यही बेसिक सा काम होता है क्लच का, ये बस पावर का जो ट्रांसमिशन है उसको रोकता है और उन दोनों को वापस से कनेक्शन को बनाता है। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको और भी ऐसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना है तो प्लीज़ विजिट माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।